हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की हमारी वीडियो है कोस्टर मेकिंग विद प्रेस्ड फ्लावर्स तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो तो हम ले लेते हैं रेजिन और ये है हार्डनर वेटिंग मशीन कर लेते हैं ऑन और हम डिस्पोज़ल कप्स में इसे डालेंगे तो मेरे रेजिन का रेशो है टू इज़ टू वन और रेजिन मैंने पचहत्तर ग्राम लिया है और हार्डनर मैंने उसका हाफ़ यानी थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ग्राम लिया है तो टोटल मैंने लिया है वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट फ़ाइव ग्राम तो अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स मेरे पास हीट कन है जिससे मैं इसे थोड़ी सी गर्म हवा दूंगी और जिससे कि ये जल्दी मिक्स होगा आपके पास हीटकर नहीं है तो आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं तो मुझे मिक्स करते करते तीन से पाँच मिनट हो चुके हैं और इसे मिक्स करने के बाद हमने इसे अब पाँच मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है जिससे कि जो थोड़े से बबल्स रहे होंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे तो तब तक हम करते हैं मोल्ड को क्लीन मेरे पास एब्रो टेप है तो इसकी हेल्प से मैं अपने मोल्ड को क्लीन कर लूँगी इस वीडियो में जो मैंने प्रेस्ट फ्लावर यूज़ करे हैं वो मैंने खुद नोटबुक के बीच में रख कर किए हैं तो आप देख सकते हैं ये सभी मैंने खुद अपनी नोटबुक के बीच रख कर इन्हें सुखाया है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इन फूलों को अपनी नोटबुक के बीच में प्रेस्ट करके सुखाया है ये देखिए आप देख सकते हैं आप खुद भी फ्लावर्स को इस तरह से रखकर प्रेस कर सकते हैं चलिए अब करते हैं हम रेजिन को थोड़ा पोर दोनों मोड में रखेंगे हम थोड़ा थोड़ा और हीट गन की हेल्प से बबल्स को हम रिड्यूस कर देंगे और अब हम इनमें डालते हैं प्रेस्ड फ्लावर्स आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल है ये मैंने खुद अपने खेत से निकाल के नोटबुक के बीच रखकर इस तरह से सुखाए हैं तो अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं तो आप कोई भी फूल लेकर इस तरह से आप सुखा सकते हैं

और अब हम इसे सेट होने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो अब 24 घंटे हो चुके हैं तो अब हम इसे करते हैं डीमोल्ड अगर आप अपने रेजिन के पीस को ट्रांसपेरेंट और बबल फ्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेजिन और हार्टनर को अच्छे से मिक्स करना होगा और साथ ही साथ अगर आपके पास हीट गन है तो हीट गन की हेल्प से भी आप बबल्स को ख़त्म कर सकते हैं डीमोल्ड करने के बाद हम इनकी करेंगे डोमिंग डोमिंग करते समय ये ख्याल रखना है कि आपने एक बार में ही सारा रेजिन पोर नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके पोर करना है अगर आप एक बार में ही ज़्यादा डाल दोगे तो वो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आपने रेजिन डालना है तो अब डोमिंग हो चुके हैं तो अब हम इसे फिर से 24 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे डोमिंग हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कोस्टर बना है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग